आप देख रहे हैं आकर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर वीडियो कर दे अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, अलोक तक वीडियो डिफेंस स्ट्रेटजी की, पाक की हुई थू थू पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान, भाई क्या सही हो सकता है। खैर देखते हैं वीडियो में पता चलेगा कि कैसे है, इस पर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। डेमोक्रेसी की ताकत जो है, व्हाट इज द पावर ऑफ द डेमोक्रेसी। आज पाकिस्तान ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, आज पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। पाकिस्तानियों ने अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब ये नारे सुनाए ना मैंने आपको, ये प्रोटेस्ट और ये एजिटेशन की तस्वीरें मैंने दिखाई आपको, ये सब उसी का हिस्सा है जहां पर पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि क्यों पाकिस्तानी ही आज पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल फोरम पर। यह भी बताऊंगा कि अमेरिका में यह प्रोटेस्ट क्यों और कहां पर हो रहा है, और इसके साथ ही यह भी कि अमेरिका में हो रहे इस प्रोटेस्ट ने शहबाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट की सिट्टी पिट्टी जो है वो क्यों गुम कर दी है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन किसी से छुपी नहीं है। शहबाज शरीफ की नई नवेली सरकार अपने देश की खस्ता हाल इकॉनमी पर रफू करने की पूरी कोशिश कर रही है। 5-ईयर प्लान तैयार किए जा रहे हैं ताकि डूबती दम तोड़ती इकॉनमी को कुछ चंद सांसें मिल पाएं। लेकिन हकीकत में पाकिस्तान केवल और केवल आईएमएफ की भीख यानी लोन पर ही टिका है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने अपनी सरकार बनाने के साथ ही आईएमएफ से और लोन लेने की कवायद शुरू कर दी। आईएमएफ से पाकिस्तानी अथॉरिटी लगातार बातचीत कर रही है। फरवरी में तो यह बताया जा रहा था कि पाकिस्तान आईएमएफ से 3 बिलियन की जगह $6 बिलियन का लोन चाहता है। देखिए, लोन को लेकर आईएमएफ की कई शर्तें होती हैं। आईएमएफ जिस भी देश को लोन देता है वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में देता है और इसके साथ ही वो अपनी शर्तों को पूरा भी करवाता है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट। तो जैसे जैसे बेनिफिशियरी कंट्री आईएमएफ की शर्तों को पूरा करता है, मतलब जो देश पूरा करता है, वैसे वैसे आईएमएफ उसे लोन की अगली इंस्टॉलमेंट जारी करता है। तो पाकिस्तान को आईएमएफ के लोन की दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है और इसे लेकर आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में है और पाकिस्तान पूरे प्रेशर में है। पता तो यह चला है कि आईएमएफ की टीम ने पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम है उसके कान जबरदस्त तरीके से उसने मरोड़ दिए। आईएमएफ के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। आप जानते हैं कि आईएमएफ का मिशन जो कि रिव्यू टॉक्स के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, जब ये पहुंचा था तो मैंने साथ ही आपको कल बताई थी उसकी सारी रिपोर्ट की, अब उनसे टॉक्स होंगी। लेकिन टॉक्स स्टार्ट होने से पहले ही आईएमएफ के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और हुआ क्या है, हुआ ये है कि आईएमएफ के मिशन के चीफ जो हैं नेथन पोर्टर, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है, ए तुसी की कीता है, और उन्होंने डिसप्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दिया। और वो हैंड आउट क्या था, एंड कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से IMF की फीडबैक के बगैर उनसे टास्क से पहले ही हैंड आउट जारी कर दिया गया जिसमें कहा गया कि तमाम टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए गए हैं और जो भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं वो गेन कर लिए गए हैं। तो फिक्र निश्ता, कोई फिक्र की गाल ही नहीं पाई, सब कुछ कर लिया हमने। तो IMF से लोन की अगली किस्त लेने में पाकिस्तान की हालत वैसे ही खराब हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस चाहत में कई पाकिस्तानी ही अड़ंगा डाल रहे हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में IMF का हेडक्वार्टर है
और यही मचा है पाकिस्तान को मिलने वाले आईएमएफ के लोन पर घमासान। तो ऐसा क्या हो रहा है वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ हेडक्वार्टर के बाहर जो पाकिस्तान के माथे पर पसीना ला रहा है? मैं बताता हूं आपको, आईएमएफ हेडक्वार्टर के बाहर पाकिस्तानियों का प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट के जरिए आईएमएफ को याद दिलाया जा रहा है कि उसने पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन की शर्त रखी थी जो कि पूरी नहीं हुई। यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में हुए चुनाव में मैंडेट की चोरी हुई है। यह बताया जा रहा है कि अगर आईएमएफ ने पाकिस्तान को फिर से लोन दिया तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी उसका मिसयूज करेगी। और यही बात कमोबेश हम भी कह रहे हैं, भारत भी कह रहा है। इस वीडियो को देखिए, इसमें एक ट्रक दिखाई दे रहा है। इस ट्रक के तीनों तरफ स्क्रीन लगी है जिसमें इमरान खान की तस्वीर है। लिखा है रिस्पेक्ट द इलेक्शन मैंडेट ऑफ पाकिस्तानीज, यानी पाकिस्तानियों के इलेक्शन मैंडेट का सम्मान किया जाए। ये ट्रक आईएमएफ हेडक्वार्टर के सामने आपको अक्सर दिखाई दे जाएगा। इससे एक बात तो साफ है कि आईएमएफ के सामने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो पीटीआई यानी इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। पीटीआई इस प्रोटेस्ट के जरिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर यह टेबल करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के चुनाव में धांधली की गई है, पाकिस्तान के चुनाव फेयर नहीं हुए हैं। पीटीआई यूएसए ने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था। इस वीडियो को देखिए, इसमें कई पीटीआई सपोर्टर्स आईएमएफ के हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हैं। उनके हाथों में पाकिस्तान का झंडा है और वो बता रहे हैं कि चुनाव में कैसे धांधली की गई और पीटीआई को कैसे हराया गया। मोहित पीरजादा अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, वाशिंगटन डीसी में रहते हैं। उन्होंने इस प्रोटेस्ट के पहले वीडियो बनाकर बताया था कि ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वाशिंगटन में अब से थोड़ी देर में, कह लें घंटे के अंदर अंदर, आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर्स है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का, उसके बाहर पाकिस्तानी कम्युनिटी मुजाहरा कर रही है आईएमएफ को ये बावर करवाने के लिए, ये इम्प्रेस अपॉन करने के लिए कि आप पाकिस्तान को जरूर पैसे दें। जाहिर है वो पाकिस्तान का हक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को चोरी किया गया है, इलेक्शन को चोरी किया गया है, और ये आईएमएफ के लिए बहुत जरूरी है कि आईएमएफ पाकिस्तान के रिजीम के ऊपर और वहां जो पावर्स उसे कंट्रोल करती हैं उन्हें ये एम्फसाइज करे, उनके ऊपर ये जोर दे कि पाकिस्तान में इलेक्शन के जो नतज हैं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नतज, उन्हें स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है। बाद में पीरजादा आईएमएफ हेडक्वार्टर के बाहर भी गए जहां ये प्रोटेस्ट चल रहा था। उनके इस वीडियो में आपको कुछ दिलचस्प चीजें नजर आएंगी। देखिए, यहां आपको पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तस्वीर दिखाई देगी। आसिम मुनीर की दो तस्वीरें हैं जबकि जनरल बाजवा की एक। आसिम मुनीर की तस्वीर पर क्या लिखा है देखिए जरा, लिखा है एन इविल मैन विल बर्न हिज ओन नेशन टू द ग्राउंड टू रूल ओवर। कुछ और भी लिखा है जो नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो नजर आ रहा है उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ ये कि एक शैतानी आदमी अपना राज बचाने के लिए अपने ही देश को जला डालेगा। अब जनरल बाजवा की तस्वीर पर क्या लिखा है वो भी देखिए। लिखा है वांटेड फॉर हाई ट्रीजन, यानी भयंकर राजद्रोह के लिए वांटेड, यानी जनरल बाजवा को देशद्रोही करार दिया गया भाई, गद्दार करार दिया गया। यानी पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है लोग उसके पीछे आसिम मुनीर और बाजवा जैसे आर्मी चीफ को जिम्मेदार मानते हैं। अभी रमजान का महीना चल रहा है तो आईएमएफ के बाहर इन प्रदर्शनकारियों ने इफ्तार का भी आयोजन किया था। इस बारे में अपने वीडियो में मोहित पीरजादा क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। इसमें कीजिए कि ये आईएमएफ के दफ्तर के बाहर गुज़श्ता कई घंटों से पाकिस्तानियों ने पड़ाव डाला हुआ है और अब इफ्तारी का भी सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। यही सीन अगर इस्लामाबाद में होता है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, अब तक दहशतगर्दी में सारे हम गिरफ्तार हो गए होते और हमारे घर वालों को भी पकड़ लेना था, मारना अलग था, केसेस और पर्चे अलग कर देने थे। ये देखें डेमोक्रेसी की ताकत जो है, व्हाट इज द पावर ऑफ द डेमोक्रेसी। ये आईएमएफ का हेड ऑफिस है, ये उसके बाहर देखिए इफ्तारी का सामान पड़ा है और ये यहाँ पे पुलिस खड़ी है, ये सारी कोई किसी को नहीं पूछ रहा। ये आईएमएफ के दफ्तर के बाहर का सीन है, शाम इफ्तारी का वक्त जो है ये हो चुका है। और ये सामने जो ऑफिस है जो अब आपको नजर आएगा, ये वर्ल्ड बैंक के ऑफिस है, वहां से भी लोग आके पूछ रहे हैं चार घंटे से। वो पुलिस खड़ी सिर्फ आई है चूंकि परमिशन दी हुई है, ये पुलिस की गाड़ियां तीन खड़ी है। इसे कहते हैं द पावर ऑफ द डेमोक्रेसी। सभी प्रदर्शनकारी आईएमएफ की बिल्डिंग के ठीक बाहर ही जमीन पर दरी बिछाकर बैठ गए और इफ्तार किया। वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ के हेडक्वार्टर के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट ने आईएमएफ पर ही सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि आईएमएफ की उन शर्तों का क्या हुआ जिसमें उसने पाकिस्तान में अनबायस्ड फेयर इलेक्शन की बात कही थी। लेकिन दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में फरवरी में हुए इलेक्शन में ना केवल
धांधली की सारी हदें पार कर दी गईं, बल्कि जीते हुए कैंडिडेट्स को भी हारा हुआ साबित कर दिया गया। ऐसी ही धांधली के बाद पाकिस्तान में शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने अपनी नई सरकार बना ली है, पीएम बन गए हैं। इसी धांधली की वजह से पीटीआई लीडर और फॉर्मर पीएम इमरान खान ने भी आईएमएफ को चिट्ठी लिखी थी कि भैया इनको पैसे मत दो। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस हेडलाइन को देखिए। 23 फरवरी की इस खबर में बताया गया है कि इमरान ने आईएमएफ को लेटर लिखकर यह कहा है कि वो लोन देने से पहले इलेक्शन का ऑडिट करवाए। उन्होंने लेटर में लिखा कि कंट्री के जैसे हालात हैं, अगर इसमें लोन दिया गया तो उसे लौटाएगा कौन। इमरान खान ने यह तब आरोप लगाए थे कि देश की 30% सीटों का ऑडिट होना चाहिए। इमरान के इस लेटर के बाद भी पाकिस्तान में खूब हंगामा मचा था और अब पीटीआई का आईएमएफ हेडक्वार्टर के सामने प्रोटेस्ट भी हंगामे की वजह बन रहा है। जाहिर है आईएमएफ पर भी इसका दबाव तो पड़ ही रहा होगा। हालांकि तब इमरान खान की चिट्ठी पर आईएमएफ ने कोई एक्शन नहीं लिया था, तो डाउट है कि इस प्रोटेस्ट के बाद आईएमएफ पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन को होल्ड करेगा। लेकिन पीटीआई के इस प्रोटेस्ट के बाद पाकिस्तान की शहबाज गवर्नमेंट पीटीआई से चिढ़ गई, इतनी चिढ़ गई कि उसने ऑफिशियली पीटीआई पर ऐसा आरोप लगा दिया जो बाद में झूठा साबित हो गया। पाकिस्तानी अखबार डॉन की इस खबर को देखिए। लिखा है, सरकार ने घरेलू मामलों में ईयू और आईएमएफ को घसीटने के लिए पीटीआई की लानत मलानत की है। अब खलीज टाइम्स का ये ट्वीट देखिए, इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर अताउल्ला तारण ने इमरान खान की पार्टी पर ईयू में पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। दोस्तों पहले ये समझ लीजिए कि ये जीएसपी प्लस है क्या। जीएसपी प्लस यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के लिए ट्रेड ड्यूटी में छूट दी जाती है। पाकिस्तान को यह सहूलियत हासिल है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पीटीआई पर आरोप लगाया कि उसने ईयू को जीएसपी प्लस स्टेटस छीन लेने के लिए लेटर लिखा है। लेकिन असल में पाकिस्तानी मिनिस्टर का यह आरोप झूठा था, इसकी पुष्टि खुद ईयू ने की है। लगे हाथों दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान को क्यों मैं ये कहता रहता हूं कि पाकिस्तान दुनिया के आगे कटोरा लेकर खड़ा है। देखिए पाकिस्तानी अखबार डॉन की यह खबर है, 6 जून 2023 की यह खबर बता रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पाकिस्तानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, या आप कहें कि पाकिस्तान पर जो डेट है यानी कि कर्जा है, वो बढ़कर 58.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया हो गया है। अब आप समझिए जरा इसको। अब जियो न्यूज की दिसंबर 2023 की इस खबर को देखिए। लिखा है, आईएमएफ ने फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी की कि पाकिस्तान का कर्ज इसी फिस्कल में बढ़कर 82 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा। यानी जून 2023 से दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान के कर्ज में करीब 24 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए की बढ़ोतरी हो गई। तो कर्ज में डूबे पाकिस्तान की अभी क्या हालत है। पाकिस्तान टुडे प्रॉफिट की 12 फरवरी 2024 की खबर बता रही है कि पाकिस्तान का कर्जा 27.2% बढ़कर 81.194 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया। यानी आईएमएफ की भविष्यवाणी लगभग सही साबित हो चुकी है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को देखिए, 8 फरवरी 2024 की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान पर आईएमएफ का करीब 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज है, और यह वो रकम है जिसमें अभी मिलने वाले लोन का अमाउंट शामिल नहीं है। तो पीटीआई के इस प्रोटेस्ट से पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत गुस्से में है और वो पीटीआई को घेरने की कोशिश कर रही है। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। असल में पाकिस्तानी आर्मी और पीएमएलएन और पीपीपी ने मिलकर बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में नई सरकार बनाई है। शहबाज भले ही पोपट पीएम हैं और पपेट पीएम हैं और रूल आसिम मुनीर का है, लेकिन फेस जो है वो शहबाज शरीफ का ही है। तो शहबाज गवर्नमेंट पर देश की इकोनॉमी दुरुस्त करने का बहुत दबाव है। पाकिस्तान जानता है कि अगर जल्दी ही हालात ठीक नहीं हुए तो महंगाई को लेकर देश में सिविल वॉर छिड़ सकती है। ऐसे हालात में पीटीआई पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में प्रोटेस्ट कर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव बना रही है। तो जाहिर सी बात है शहबाज सरकार पर प्रेशर तो बढ़ेगा ही। खैर, पाकिस्तान को अगर आईएमएफ से लोन की अगली इंस्टॉलमेंट मिल जाती है तो उसकी जो हालत है उस हिसाब से ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगा। यानी पाकिस्तान इतनी जल्दी पटरी पर आने वाला नहीं है। और तीसरी बात कि आईएमएफ तो लोन देगा ही, चाहे आप कुछ भी मना करें। भाई जो कर्जा देने वाला होता है
वो तो चाहता है कि सामने वाला कर्जा ले, क्योंकि तभी तो वो उसके चक्कर में फंसेगा, तभी तो उसके पंजे में फंसेगा, तभी तो वो अपनी मनमानी करवाएगा पाकिस्तान के भीतर, ये भी आप लोग समझ लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए आज का ये वीडियो कैसा लगा, और भाई सब्सक्राइब करिए चैनल को, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, थोड़ा संख्या बढ़ाइए, स्पीड लाइए, स्पीड कम होगी बहुत, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए, जो भी सब्सक्राइब करे प्लीज़ आप बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, नहीं तो हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो ही खत्म, बिल्कुल ये पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान खड़ा हो गया, ये अभी कुछ नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुआ, ये पार्टी भी शुरू, पाकिस्तान के कुछ अनासर हैं जिनके खिलाफ सारी जनता, हाँ फिर समझे नहीं इस्लाम भाई, वही तो सारा कुछ पाकिस्तान है, हमारी आर्मी है सिर्फ पाकिस्तान है ना, हमारे अपनी आवाम की तो कोई राय नहीं रखती यार, हमारी आर्मी हमारे पाकिस्तानी है भाई, जनता जो है ना हमारी, जो कह रहे के यार, मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी आर्मी की चलती है, हमारी स्टेट में स्टेट है, तो भाई उनकी पाकिस्तान स्टेट के अंदर आर्मी की अपनी स्टेट है, बल्कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान आर्मी की स्टेट है, उसके अंदर नहीं है, बल्कि आर्मी के अंदर पाकिस्तान स्टेट है, जिसको वो कंट्रोल करते हैं, उनके और भी फंक्शन है, बाहर कंट्रोल करना, अंदर कंट्रोल करना, वो पाकिस्तान आर्मी के स्टेट के अंदर पाकिस्तान एक स्टेट है, और ये इमरान खान की वजह से नहीं हुआ, ये हमें पहले पता नहीं था, बिल्कुल ये इंडियंस कहते थे कि आपकी आर्मी ये कर रही है, और हमें लगता था यार हमें आपकी आर्मी के खिलाफ भड़काने के लिए कर रहे हैं, हमारी आर्मी के खिलाफ हमें करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच यही था, इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं हुए उसके पीछे भी यही है। अब रिसेंटली मैंने न्यूज सुनी है कि जो का ना अपना यूएसए की, उसकी भी बात हुई, यूएसए की पार्लियामेंट के अंदर बकायदा करारदाद होगी मुकर्रर, पाकिस्तान के इलेक्शन पर करारदाद मंजूर हो चुकी है, उस पर अब डिस्कशन होगी, क्या होगा फिर, अगर फर्ज गाला वो करारदाद मंजूर होती है कि पाकिस्तान के जो हुए इलेक्शन वो सही एंड फेयर नहीं, क्योंकि आगे आ रहे हैं वो यकूब बातें सही करता है, अगर आ गए ना डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जब सरबराह चेंज होता है तो पुलिस भी काफी चेंज होती है, ठीक है ना, अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो ये पाकिस्तान को पै गया वक्त है, बिल्कुल, ये खान क्या बोल रहा है वो सपोर्टर है, हकीकत में सपोर्टर है, बिल्कुल यार गया था तो हमने उस वक्त देखा था कि उसका किस तरह से वेलकम, और ये दुनिया जानती है, ये हम नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया जानती, ऊपर से जो मर्जी बातें करते रहे, पाकिस्तान की रिगिंग हुई है, पाकिस्तान इलेक्शन, और इतनी बड़ी रिगिंग हुई है जिसकी मैं कहता हूँ कोई लिमिट ही नहीं, पूरे 76 सालों में जिस तरह का इलेक्शन हुआ है ना, इस तरह का कभी नहीं हुआ यार, मैं कल भी एक वीडियो में बोला था कि अहमद मीर थे ये कौन सा साफी है, उसको किसी जिस तरह डिप्टी कमिश्नर बोले थे ना, वो कहते हैं कि जो पहली बात होती वो सच्ची होती है, उसने पहली बात जो बोली थी ना डिप्टी कमिश्नर ने वो सच्ची थी, ये दुनिया जानती है, रावलपिंडी कमिश्नर, रावलपिंडी जो लियाकत चट्ठा साहब, उन्होंने जो बात बोली थी वो सच थी, असल पहली बात ही होती, बाद में तो उसको फिर मैनिपुलेट किया जाता है कि यार इसको दबाओ, इसको खत्म करो, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के अंदर और ये जो खान की तस्वीरें एलईडी लगी हैं, ये अभी सामने धरना है, ये सही है यार, खान जो है ना, खान मैं दिल करता है कि पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान के बॉर्डरों पर सेफ रहना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ले जाएगा कौन, कौन है कि हमें इतनी हिम्मत, ये बताने आप, मैं आर्मी के साथ भी हूँ लेकिन आर्मी के खिलाफ भी, खिलाफ नहीं क्योंकि जब वो पॉलिटिक्स में आती है, और जब पॉलिटिक्स में आने का फर्ज कर लें, एक दिन आर्मी कहती है हम बिल्कुल ठीक, हम अपनी जो है ना सिक्योरिटी में रहेंगे, अपने डोमेन में रहेंगे, आप पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स करें, आप सियासत को चलाएं, मुल्क को चलाएं, इंजीनियर, एक दिन ऐसा हो के जो है ना आर्मी फिर से कहे कि मतलब कोई जो है ना उठटांग करे, पॉलिटिक्स में आने की कोशिश करे, तो उसी वक्त आर्मी चीफ हो या जो उसको बंदा इबरत का निशान बना दे, ऐसा होने वाला नहीं है, ख्वाब अच्छा है, देखते रहो 76 साल हो गए, देखते रहो, मर जाओगे, हमारी हमारे मौजदाद मर गए, आप मर जाएंगे, हमारी नस्लें मर जाएंगी, लेकिन ये नहीं होगा। अच्छा, मोहम्मद अली मिर्जा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हमारे बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने एक आर्मी चीफ के बारे में और आर्मी के बारे में बात की थी, जब ये सारी बातें, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ
अगर खाना काबा के गलाफ को पकड़ कर कभी ये कसम दे कि मैं अब नहीं आऊंगा पॉलिटिक्स में, अब आवाम फिर भी इन पर यकीन नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसा ये, और फिर भी उसकी कसम सच नहीं होगी। उसकी उन्होंने सबूत दिया, हमें भी पता, हमारे जनरल एक्स जनरल आर्मी चीफ बाजवा साहब ने कसम खाई थी कि मैं काफर हूं, मैं मतलब क्या मुनाफक हूं अगर ये साइफर वाली बात सच हो तो। और उसी साइफर पर दलों ने बेघरतों ने फिर इमरान खान को सजा सुनाई। लख दी लानत जनरल बाजवा तुम्हारी जात पर और तुम्हारी इस बात पर, तुम्हारी शक्ल पर, तुम्हारी जिंदगी पर। और अभी जो मिस्त्री मुनीरा है यार, मुझे पता है कि अब इनके हथे चढ़ गए तो बचना हमें कोई नहीं है, लेकिन मिस्त्री मुनीरा का भी उससे भी ज्यादा आगे के लानते भेजने वाली है। अच्छा इमरान जो हो चुकी है ना इस वक्त, इमरान खान जब देखने के पॉलिटिक्स में आए भी नहीं थे ना, जब एक क्रिकेटर थे तो उस वक्त भी मैंने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ थे और उनके सिग्नेचर उन ले रहे थे, मैंने वीडियो देखी थी, उनके बड़े फ्रेंड थे उस वक्त भी। लेकिन अब जब वो गए, उन्होंने खुद उनको दावत दी थी तो वो तो एज अ प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो वाकई हमने देखा है कि जो जो है ना सदर ट्रंप, वो इमरान खान साहब को बड़ा क्लोज है और उनके आने से इमरान खान साहब को बड़ा फायदा होगा। और जो आपने बात की है कि इलेक्शंस की, और ये पाकिस्तान को वाकई बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना पंजाबी, ये हकीकत है भाई, मुश्किल का निजाम है ना, उसको मफलूज किया गया है, ना कोई कानून है ना कायदा है, समझ लें कि एक किस्म का हाईजैक मुल्क है जिसको वो हमारे बड़े जो है ना वही चला रहे हैं। ना कभी जमहूरियत पहले थी और ना कभी अब होगी, क्योंकि आवाम जो है उन उसको इतना इन्होंने डरा दिया है, इतनी सहमी हुई आवाम है कि मैं कहता हूँ कि कोई एक आदमी को वो इबरत का निशान बना देना तो बाकी जो है इमरान खान का ये देखे, इतनी बड़ी पार्टी थी, पूरी सपोर्ट थी और उसको कैसे इन्होंने तितर बितर कर दिया। दूसरी बात ये कि आवाम जो कहती थी कि हम उसके साथ है, आज आवाम उसका नाम भी नहीं लेती, अगर लेती भी है तो दिलों में लेती है, जबान से भी नहीं लेती। ये हालत है आपके यार, और ये बिल्कुल ठीक है, एक तरफ आवाम है और दूसरी तरफ आपके इदारे हैं और ये पॉलिटिशियंस हैं जो चोर हैं, करप्ट हैं। देख लें आगे होता क्या है, मुझे तो नहीं लगता कि 76 सालों में कुछ हुआ हो और उसके बाद भी आने वाले वक्त में कुछ ऐसा हो कि आपके जो इदारे हैं उनको जो काम दिया गया है वही काम करें, सिक्योरिटी करें या सियासत करें। मुझे नहीं लगता कि वो सियासत छोड़ देंगे, क्योंकि बाजवा साहब ने फुल भार के साथ की है सियासत, और सबसे असल सियासतदान जो है वो यही है जो बैक डोर खड़े होकर सियासत करते हैं। आगे तो उन्होंने पुतले से रखे हुए उनको खिलाया भी नचा रहे हैं, बंदर रखे हुए। आप इस बात से अंदाजा लगा लें भाई कि जो रोते हुए जलील होकर इस मुल्क से निकला था दवाई लेने के लिए, उसकी प्लेट्स जो कम थी उस वक्त भी इन्होंने निकाला था, और निकालने के बाद इमरान खान को लाए, लेकिन इमरान खान बाद में अपने मुंह की बोलने लगा, अपनी करने लगा, तो उन्होंने हटा के वही चोर जो है जो बाहर गया था उसको दोबारा लाए, उसकी पूरी फैमिली को, उसकी कबीना को। यार बात असलम भाई, बात इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। आपका कमीशन, मतलब आदमी में कमीशन मिलता है ना, कमीशन होते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, भाई मुझे इनकी तनख्वाहों से कुछ नहीं होगा डॉलर। अच्छा असलम भाई, वो मुझे भाई बता रहा था कि जो ये छोटे सिपाही हवालदार थानेदार तक ये छोटे होते हैं ना, ये सारे आम गरीब बच्चों के होते हैं, औलादे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, और जो असल बड़े ब्रिगेडियर मेजर जी उन्हीं की लादे चलती आ रही है, मतलब कि उनका कोई भतीजा होगा, बेटा होगा, भांजा होगा, और सब की तरबियत, क्योंकि सारी बात आर्मी के घर में पलते हैं, आर्मी के अंदर चौथर होती है इनके अंदर, ये चेंज नहीं हो रही। और कमीशन हुई इसको मिलता जिसका चाचा अंकल भाई, इनकी सिर्फ और सिर्फ चुदराट एक तरीके से खत्म हो सकती है, जूतों से, जब कोई किसी दूसरे कंट्री ने इनको ठोका। हम तो ठोका भी ऐसा कि याद रखेंगे जैसे पहले ठोका 93,000 की सूरत में सरेंडर किया, इसी तरह अब ये दोबारा इनको कोई दूसरा कंट्री ठोकेगा तो फिर इनके जो है ना होश। चलो जी खैर, हमारा रोना धोना बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडियंस होगी, लेकिन उनकी आर्मी सिर्फ बॉर्डरों तक है, डोमेन में। मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनकी जनता जिसको वोट देती है वही पीएम बनता है, इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी होती है इंडिया के। मिलता नहीं मुझे नाटक साहब, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।